नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के 13th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर इंसान जुबान से शब्द निकालने से पहले हकलाना शुरू कर दे, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो वह क्या ग्रहों का कोई कनेक्शन है, किसी दोष के कारण होता है, और अगर ऐसा है तो उसके क्या उपाय हैं। व्यक्ति के अंदर भीतर छुपे हुए ज्ञान और अज्ञान के झलक उसकी वाणी और बोली से ही देखी जा सकती है, जो कि व्यक्ति के धन के समान भी है। लेकिन अगर आपके बच्चों में, आप में बोलने से पहले हकलाने तुतलाने की कोई बीमारी है, तो वह आपके लिए मानसिक तनाव पूर्ण रूप से देने के लिए बहुत है। साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत तकलीफ में आ जाते हैं कि बच्चों की अब शादी कैसे होगी, बच्चों के प्रेजेंटेशन का क्या होगा, क्योंकि आज का दौर, आप कितने भी ज्ञानी हैं लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। दरअसल हकलाने के पीछे बच्चों का मजाक भी बहुत सारे लोग उड़ाते हैं, जिससे उनके भीतर हीन भावना आ जाती है, एक तरह से इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन भी आ जाता है, जिसके कारण उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। इस स्पेशल सीरीज में एस्ट्रो विथ मेडिकल में यही टॉपिक आज आपके बहुत काम आ सकता है, हो सकता है आपके ना भी आए, लेकिन आपके अपनों के या किसी और के बीमारी को दूर करने के बहुत हद तक ये काम आ सकता है। आइए अब देखते हैं किन ग्रहों की पोजीशन और किन दोषों के कारण ऐसा अक्सर देखा जाता है। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है ये समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह, जिसे हम वाणी का अधिपति कहते हैं, वो खराब पोजिशन में है, तो सबसे पहले वाणी का दोष पैदा होता है। कोई जरूरी नहीं कि इंसान हकलाए, कोई तुतलाना शुरू कर देगा, कोई बोलने से पहले गालियां बोलना शुरू कर देगा। जुबान का दोष बुध देने का काम करता है। व्यक्ति या तो हकलाने लग जाता है या साफ तरीके से बोल नहीं पाता है। कई लोगों का आपने देखा होगा जो बोलते तो हैं लेकिन समझ में अपने को कुछ नहीं आता है, इसके लिए बुध ग्रह ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह कुंडली के युवराज भी है। यह व्यक्ति की जुबान पर पूरा प्रभाव रखते हैं। बुध ग्रह से पूरे शरीर का कम्युनिकेशन भी तय होता है। अब किन ग्रहों से आपको स्टैमरिंग की यानी हकलाने की प्रॉब्लम होती है? जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं उनकी कुंडलियों में अक्सर बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती है। साथ ही वाणी का जो स्थान है कुंडली में सेकंड हाउस होता है। अब आप यहां से थोड़ा सा इसमें मन लगाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आप सोचने लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यह बहुत काम की चीज है आपके लिए। मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मेरी वाणी काम कर रही है, लेकिन मुझे क्या बोलना है यह मेरा चंद्रमा डिसाइड करता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है। जितने भी लोग हकलाते हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक आप गौर करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो हमेशा नहीं हकलाते हैं। जब उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उतावलापन होता है, जल्दीबाजी होती है, तब वो सबसे ज्यादा हकलाते हैं। हकलाने वाले इंसान को एक रिसर्च अपने हिसाब से करनी चाहिए, हमेशा पेपर पेन रखे कि किन शब्दों पर, किन अक्षर पर आप सबसे ज्यादा हकलाते हो। धीरे धीरे आप उन अक्षरों को, उन शब्दों को अपने डिक्शनरी से निकालना शुरू करें या उस वक्त धीरे हो जाएं। साथ ही वाणी स्थान जो सेकंड हाउस है, वहां राहु मंगल की युति हो, राहु शनि की युति हो, तो मुंह में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। एकेंथोसिस नेग्रिकेंस या रेल मेलास्मा या मेलानाइन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कुछ लोगों को मुंह के अंदर भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिस वजह से बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग बोलते अच्छे, मुंह में छाले हो गए, अब आप बोल नहीं सकते हो। जुबान के अंदर जुबान कट गई, आप बोल नहीं पाएंगे। तो बोलने के पीछे राहु का सेकंड हाउस के दोष सबसे इंपॉर्टेंट माना जाते हैं। और वहीं राहु ग्रह के साथ अगर बुध वक्री हो जाए तो हकलाने की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। जिनके बुध और चंद्रमा डैमेज हो जाए कुंडली में, वो हकलाना शुरू कर देते हैं। धनु, मकर, वृषभ और सिंह लगन वाले लोग, आखिर ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। धनु लगन के अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के अंदर लो कॉन्फिडेंस कई बार हो जाता है, अपनी बात को कहने से पहले घबरा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा सबके साथ होगा जरूर नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ जरूर होता है। लग्न के दूसरे स्थान पर अगर शनि या बुध स्थित हो और मंगल के साथ अन्य पापी ग्रह विराजमान हो, तो इंसान हकलाना शुरू कर देता है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता हो जाती है। छठे, आठवें, बारहवें घर में अगर चंद्रमा और बुध विराजमान हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम, इसके पीछे बहुत बड़ा माँ बाप का रोल होता है। अब आप इस चीज को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि हम रिसर्च भी करते हैं और थोड़ा नॉलेज भी है, जिस कारण आपको ये एपिसोड बताते हैं।
माँ और जो पिताजी हैं उनका जब संबंध हुआ, जब वो गर्भवती हुई, उस वक्त उन दोनों की स्थिति कैसी थी, उस वक्त उनके ग्रहों की स्थिति कैसी थी, उस वक्त मानसिक तकलीफ पीड़ा थी तो वह बच्चे में आएगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ हमेशा ही तनाव में रहे, टेंशन और डिप्रेशन में रहे, तो वह बच्चे पर ही असर होगा, क्योंकि जैसा आप खाएंगे और पिएंगे वो बच्चे को मिलेगा। तो जैसा आप सोच रखोगे वैसा ही तो बच्चे को मिलेगा। किस प्रकार ज्योतिषीय उपायों से भी आप इन दोषों को दूर कर सकते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बुध नीच राशि के विराजमान है, बुध आपके ट्वेल्थ हाउस में नीच राशि के विराजमान है, बुध छठे और आठवें घर में चंद्रमा और बुध विराजमान, जिस दोनों में से कोई एक नीच राशि हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। राहु और बुध की युति हो जाए तो जड़त्व दोष बन जाता है, और ये दोष भी इंसान को वाणी का दोष देने का काम करता है। इसलिए आप इन चीजों को नोट करें। फिर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ग्रह है सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास के कारक ग्रह है। जब सूर्य नीच राशि को हो जाए और बुध भी डैमेज हो जाए, या सूर्य का सेकंड हाउस से षडाष्टक दोष बन जाए, इंसान को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता होने लग जाएगी, वो हकलाना या तुतलाना शुरू कर देंगे। तो इसके पीछे सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में कोई पापी ग्रह विराजमान है, जैसे शनि विराजमान है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर आ गई, कोई ऐसा ग्रह कहीं और भी नीच राशि के विराजमान है और वो बुध को भी देख रहे हैं और सेकंड हाउस को देख रहे हैं और पीड़ित है और पापी ग्रह है, तो इंसान को हकलाने और तुतलाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब समस्या ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। मैंने प्रॉब्लम तो आपको बता दी, किन ग्रहों के कारण, किस पोजिशन, किन दोषों के कारण ऐसा हो सकता है। सबसे पहला काम, दुनिया का कोई एक उपाय इस पर काम नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसा उपाय है जो ज्यादातर काम आपके जरूर करेंगे, वो है शांति। आप दूसरों को पहले तो बड़ा मानना बंद कर दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जो मैंने भी अपने साथ भी देखा है, बहुत सारे लोगों को मुझसे मिलने की एंग्जाइटी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, तो जब वो मेरे पास आने से पहले बाहर जब ऑफिस में बैठे हैं सबसे बात कर रहे हैं, हंस खेल के बात कर रहे हैं, जैसे ही मेरे सामने आएंगे उनको ऐसा पहले से ही आभास हो जाता है कि श्रीमाली जी पास टाइम कम होगा, जल्दी हमें बाहर भगा देंगे, मेरी बात को मुझे जल्दी जल्दी बोलना चाहिए, वो एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी और उसी टाइम वो हकलाना शुरू कर देंगे। फिर मैं उनको बोलता हूँ, दोस्त आराम की सांस लो, मेरे पास बहुत वक्त है, कोई चिंता मत करो, मुझे कहीं जाना नहीं, तुम्हें कहीं जाना है कि नहीं, उसी टाइम वो इंसान बेटर बोलने लग जाता है। यानी आपका मन और मस्तिष्क जब एंग्जाइटी क्रिएट करता है तब आपके हकलाने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक तो आप अक्षर और शब्द नोट करें जब आप हकलाते हैं, दूसरा काम हमेशा रिलैक्स रहें, तीसरा आपको प्राणायाम करना चाहिए और योगा करना चाहिए, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। कंठ के बहुत सारे योगा होते हैं, उसे करना शुरू करें, साथ में प्रैक्टिस दिन भर करते रहें। दिन में कम से कम 20-25 मिनट ऐसा समय निकालिए जब आप कांच के सामने बैठकर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब एक बहुत खासियत है कि मैं खुद बचपन में बहुत ज़्यादा हकलाता था, मेरे पिताजी ने भी मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी और कुछ समय पर उपाय भी किए और मैंने प्रैक्टिस की और मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। अब जानते हैं किस प्रकार हम कुछ उपाय करें जिससे हमारी वाणी का ये दोष दूर हो जाए। सबसे पहले तो बुध की वजह से कान और नाक और गले की समस्या पैदा होती है। ऐसी अवस्था में मन ही मन बोलकर अगर हो सके तो सुबह के समय 108 बार उन शब्दों को जरूर बोलिए। यह भी एक मंत्र है और माला है। मान लीजिए आप न पर अटकते हैं तो नमस्कार बोलना शुरू कर दीजिए, किसी भी शब्द पर अटकते हैं उसी का मंत्र बना लीजिए, उसी की माला बना दीजिए, और सुबह और शाम जब भी समय मिले बुध के मंत्र का जाप करें, ओम बुम बुधाय नमः, इसकी एक माला जाप करनी चाहिए। दूसरा, तांबे के बर्तन में रात में पानी भर के अपने आसपास रख दीजिए और सुबह खाली पेट उसे पी लेना चाहिए, तांबे में ही। तीसरा, सरस्वती देवी की पूजा करने से वाणी का दोष दूर हो जाता है। कान को छिदवाने का काम जरूर करें। शंख बजाने और शंख में जल भर के पीने से भी हकलाने वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है और वाणी में स्पष्टता आती है और कंठ के रोग दूर हो जाते हैं। कई बार आपके दांतों के डिजाइन सही नहीं होते जिस वजह से भी आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको एक अच्छे डेंटिस्ट से मिलकर आपको इस शब्दों को नोट करना चाहिए जब आपको तकलीफ आ रही है, वो भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना वाणी के कई दोषों को दूर कर देता है। बुध ग्रह की शांति और दान करना बहुत शुभ रहता है। हरी चीजों को दान करें। अगर आपकी कुंडली अलाउड करती है तो आपको पन्ना जरूर पहनना चाहिए और साथ में आत्मविश्वास आपका बढ़ जाए इसके लिए सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना, तांबे का कड़ा पहनना भी जरूरी है। अब ये सारे उपाय हो सकता है आप नहीं कर पाए, जो जितने कर पाए उतना अच्छा है। सुबह तुलसी के पौधे में
याद रखिएगा, वापस आप समझ लें, रोज सुबह तुलसी के पौधे में आपको जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी के पत्तों का सेवन भी करना चाहिए, चाय में डाल दीजिए। और जब भी मौका मिले सोमवार को ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना और दूर्वा थोड़ी सी अपने पर्स में रखना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आप इसका इन कामों को अगर करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह बुधवार को हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इनका बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। प्रिय साथियों, हगलाना और तुतलाना, अगर ईश्वर ने या जन्म कुंडली के ग्रहों ने हमें दे दिया है तो पहले तो इसे समस्या मानना बंद कर दें, क्योंकि जो हगलाते नहीं हैं, तुतलाते नहीं हैं, क्या उन्होंने कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया, बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए, ऐसा जरूर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बड़ा अच्छा बोल पाते हैं, कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते ही नहीं है और कमाल करके दिखा दिया है। तो आप एक तो हीन भावना अपने भीतर बिल्कुल भी पैदा नहीं करें। मैंने जो उपाय बताए वो अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक उपाय आपको जरूर करना है। वो क्या है? वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रयास करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। एक खास बात, ऐसे लोग हकलाहट के कारण सिर्फ बोलने में पीछे हो सकते हैं, लेकिन इससे उनकी दूसरी विशेषताएं प्रभावित नहीं होती। बोलने के अलावा दूसरे सभी फील्ड में वे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बल्कि हकलाने वाला व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनल होता है। प्रिय साथियों, लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देख लिया है, कोई गरीब आदमी साइकिल चला रहा है और पीछे से आप हॉर्न बजा रहे हो, और साइकिल वाले ने अगर ये बोल दिया कि बहुत जल्दी तुम भी साइकिल पर आ जाओगे, तो वो कार वाला व्यक्ति भी साइकिल पर आ जाता है। क्योंकि अगर आपने किसी गरीब की असहाय व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मजाक उड़ाई तो उसकी तो भगवान सबसे पहले सुनते हैं। दूसरी बात, इससे आपके आत्मविश्वास में बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि आपको धीरज धैर्य और संयम रख के पुनः सोचना चाहिए और हौसला बुलंद करके आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही प्रिय साथियों, अगली बार किसी स्पेशल टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। और आप अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर मुझसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ जानना चाहे तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इन एपिसोड्स को शेयर करें। फेसबुक पर जाकर सुरेश श्रीमाली फैन क्लब अवेलेबल है, जिससे जुड़ सकते हैं आप और हम रिश्ते को नया रूप दे सकते हैं। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दिवाली पूजन बॉक्स, एवरीथिंग यू नीड ड्यूरिंग दिवाली शूट। दिवाली पूजन में काफी सारी पूजन सामग्री की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसे में हमारे माइंड से एक ना एक चीज स्लिप हो ही जाती है। हर साल हम काफी तैयारी करके लिस्ट बनाकर मार्केट जाकर शॉपिंग करते हैं और सामग्री इकट्ठी कर लेकर आते हैं, पर एक ना एक चीज चूक जाने से मार्केट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपके इसी प्रॉब्लम की सलूशन लेकर आए हैं हम, दिवाली पूजा बॉक्स। इस पूजन बॉक्स में आपको वो सभी चीजें मिलेगी जो आपको दिवाली पूजा के लिए रिक्वायर रहेगी। इस अद्भुत पैकेट में आप पाएंगे लक्ष्मी चरण पादुका, मंत्र सिद्ध कुबेर कश्यप, लक्ष्मी प्रिय कौड़िया, केसर चंदन, लाल चुनरी, कमल गट्टा, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, कुमकुम, मौली, अक्षत, यज्ञोपवीत यानी जनोई, लग्न मंडप, सुपारी, हल्दी की गांठ, अबीर गुलाल, दीपक, ज्योति। सभी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ 750 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, ओनली इन 750 रुपीज आपको मिलेगा वो सब कुछ जिससे आपकी होगी दिवाली पूजा स्पेशल। ये आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और मिलने वालों को गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, एंड दैट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, सो ऑर्डर नाउ। इस पैकेज को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। आप अपना ऑर्डर हमें 02912799000 पर कॉल करें या फिर 9829026625 पर व्हाट्सएप करें या फिर 9358864159 नंबर पर गूगल पे, पेटीएम या फिर हमारी वेबसाइट www.grahokakil.com पर दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912799000243262।